पुतिन की डिनर टेबल पर भारतीय मेहमान। आ गई वो तस्वीर जिसे देखते ही चिढ़ जाएगा अमेरिका। डिनर टेबल पर मोदी का शाही अंदाज। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें रूस, भारत और चीन पर टिकी हैं। दरअसल 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय यात्रा 22 और 23 अक्टूबर को हो रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान शहर में हो रहा है। कजान शहर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार व जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति और अपने अच्छे दोस्त व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मीटिंग की। इसी बीच 7 समंदर पार से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको देखकर पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई। पुतिन के घर से वो तस्वीर आई जिसे देखते ही अमेरिका चिढ़ जाएगा। डिनर टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दुनिया भर में इस तस्वीर की खूब चर्चा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से दुनिया के 3 बड़े देशों के सर्वश्रेष्ठ नेता डिनर टेबल पर एक साथ नजर आ रहे हैं। पुतिन के रात्रि भोज यानी कि डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग समेत ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान डिनर टेबल पर बातचीत जारी रही। इस डिनर टेबल पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। इस तस्वीर में भी इसकी झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक फ्रेम में मोदी, पुतिन और जिनपिंग को देखकर अमेरिका जल उठेगा। पुतिन के रात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और खुद पुतिन ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ शामिल हुए। पुतिन के डिनर टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाही अंदाज दिखा। लाल रंग के मफलर और ब्लैक कोट में वे रात्रि भोज में शामिल हुए। उन्हें पुतिन के बगल वाली सीट पर बैठाया गया था। पुतिन ने डिनर के साथ साथ म्यूजिकल कॉन्सर्ट की भी व्यवस्था की थी। डिनर टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी साफ दिखी। वे डिनर के दौरान पुतिन से गुफ्तगू करते नजर आए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। करीब 5 सालों बाद ऐसा होगा जब जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही चीन और भारत के रिश्ते सुधरते नजर आएंगे। दोनों देशों के बीच गहरी खाई अब पट जाएगी।